नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से आपके लिए लेके आई हूँ एसिटिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स। ये आपका थर्ड पार्ट है एल्कोहल्स का। इससे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स और इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल पढ़ चुके हैं। तो दिस इज द थर्ड पार्ट, एसिटिक नेचर ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल, यू नो दैट एल्कोहल इज द ओएच ग्रुप। एल्कोहल का मीनिंग क्या होता है? ओएच ग्रुप। ओएच ग्रुप के बेसिस पर हमें ऐसा लग रहा है ओएच ग्रुप, यानी कि किसी भी कार्बन की चेन पर, लाइक दैट CH3OH पर, CH3OH कार्बन की चेन पर या बेंजीन रिंग पर हमारा क्या ऐड हो जाता है, OH जुड़ जाता है, तो हम इसको क्या कहते हैं एल्कोहल्स। OH यानी कि एल्कोहल्स, OH, OR। और अगर यूपैक नेम दे रहे हैं, IUPAC नेम देखे, तो इसको कहते हैं OR। ठीक है, सिंपली क्या कहते हैं OR। तो OH को देख के दिमाग में आता है कि इसका बिहेवियर एसिडिक होगा या बेसिक होगा, बट मैं कह रही हूँ एल्कोहल इज एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। तो आज जो आपको पढ़ा रहे हैं वो है एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का एसिडिक व्यवहार। एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स, alcohol can act as bronostatic acid as well as a Lewis base। क्या कहा मैंने? alcohol act as a base, acid or base। alcohol का behavior जो होता है act as an acid as well as base। इसका behavior acid की तरह भी होता है और क्या कहते हैं Lewis base की तरह भी होता है। तो acid क्या कहते हैं? जिसमें electron की deficiency होती है उसे हम क्या कहते हैं? acid कहते हैं। और जिसमें extra of electron होती है उसे हम क्या कहते हैं? Lewis base। ठीक, अब इसका behavior इस तरह से कैसे होता होगा, चलिए आगे explain करते हैं। Due to the donation of proton and presence of unpaired electron on the oxygen spectrum, अगर वो अगर वो proton donate करता है, तो उस समय उसका behavior अलग होगा। And the presence of unpaired electron, और अगर उसका unpaired electron present है, तो उसका behavior अलग होगा। तो that means donation of proton, proton को donate करता है, तो उसका behavior क्या होगा? Acidic होगा। unpaired electron जिसे हम कहते हैं lone pair of electron, अगर lone pair of electron उपस्थित है, तो उसका behavior क्या होगा? Base होगा। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ऐसे दिया, तो अगर इसको देखेंगे तो इसमें क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इस समय इसका बिहेवियर क्या कैसा हो रहा होगा? बेसिक हो रहा होगा लोन पेयर के कारण। ठीक है, और प्रोटॉन डोनेट करता है, डोनेशन ऑफ प्रोटॉन, दैट मींस अगर ओ और एच का बॉन्ड टूटता है और एच प्लस आयन रिलीज होता है, तो प्रोटॉन डोनेट करने के कारण उसका बिहेवियर क्या होगा? एसिडिक होगा। एल्कोहल आर वेरी वीक एसिड बिकॉज द एल्काइल ग्रुप पुश द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड द ओएच। एल्कोहल पुश इलेक्ट्रॉन टूवर्ड द ओएच ग्रुप सो दैट द ऑक्सीजन डज नॉट स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन इन द ओएच बॉन्ड। क्या मतलब है? देखिए, एल्कोहल जो है, आपको मैंने बोला एल्कोहल है, आपके पास एल्कोहल का फॉर्मूला कोई भी ले सकते हैं। तो दिस इज द कार्बन चेन CH3OH। हमारा जो मेन प्रॉब्लम है एल्कोहल का एसिड और बेस बिहेवियर का, एसिड एल्कोहल आर वेरी वीक एसिड बिकॉज द एल्काइल ग्रुप पुश द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड द ओएच ग्रुप। जो इसमें एल्काइल ग्रुप होता है, दैट मींस जो कार्बन चेन होते हैं, विच कैन बी डोनर द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड द ऑक्सीजन साइड। अगर ये कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है ऑक्सीजन की तरफ को, और वैसे भी द एल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ऑलवेज डोनेट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड द अदर एटम। सो टूवर्ड द ओएच ग्रुप द ऑक्सीजन डज नॉट स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन इन द ओएच बॉन्ड। और इस समय यह इसके साथ डायरेक्टली जुड़ जाएगा, तो इस समय इसका बिहेवियर कैसा होगा? बेसिक होगा। अल्कोहल वीक एसिड बिकॉज द एल्काइल ग्रुप पुश द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड द ओएच ग्रुप। ये किसकी तरफ को डोनेट कर रहा है? ओएच की तरफ को डोनेट कर रहा है। तो इस समय इसका बिहेवियर क्या होगा? वीक एसिड की तरह काम करता है। ठीक, इस समय एल्कोहल का बिहेवियर क्या होगा? वीक एसिड होगा। अब हमने कहा फर्दर मोर वंस आर ओ आयंस इज फॉर्म, इस समय क्या बनेगा? आर और ओ आयंस। अगर आर और ओ आयंस बनते हैं, आर और ओ आयंस का मतलब क्या? CH3O। ठीक है, दो तरह से कंडीशन होती है, अगर ऐसा हुआ और अगर अगर ऐसा हुआ, एच प्लस आयन रिलीज हो गया। ठीक है, दो की कंडीशन होती है। फर्दर मोर वंस आर ओ आयन इज फॉर्म, आर ओ दैट मीन्स आर ओ आयन बने, ये बना और इस समय हमारा एच प्लस आयन रिलीज हो गया, जैसे कि मैंने ये बताया। Form, it cannot stabilize the delocalization of the charge. इस समय ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन से स्टेबल नहीं होता है। इट कैन नॉट बी स्टेबलाइज बाय द डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज डीलोकलाइजेशन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है विद नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज डीलोकलाइजेशन से स्टेबल नहीं होता है। दस एल्कोहल रिएक्ट ओनली टू ए वेरी स्लाइट एक्सटेंट विद एल्कली बट विल रिएक्ट विद द वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स अंडर एनहाइड्रस कंडीशन टू गिव एल्कोक्साइड विद द जनरल फॉर्मूला R1। तो इस समय किसी भी वीक मेटल के साथ जुड़कर एल्कोक्साइड बनाने की, ये हो गया एल्काइल ग्रुप, ये हो गया ऑक्सीजन ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो कौन सा ग्रुप कहलाता है? एल्कोक्साइड ग्रुप। तो इस समय डीलोकलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ, और ये कौन सा ग्रुप कहलाता है? एल्कोक्साइड। सो दिस एल्कोहल ऑक्साइड इज अनस्टेबल, सो इट शुड बी कंबाइंड विद एनी वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि एल्कोक्साइड ग्रुप का मतलब हो गया आर ओ माइनस ग्रुप, और किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ जुड़ने की टेंडेंसी रखता है। मेटल का जैसे चार्ज होता है प्लस, और हमारा कंपाउंड क्या बनेगा? आर ओ एम। ठीक है, आर ओ एम ग्रुप बनने की टेंडेंसी रखता है। कैसे? देखिए,
रिएक्शन ऑफ इथेनॉल भी सोलह, हमारे पास इथेनॉल का फॉर्मुला है, दिस इज CH3CH2 हुआ, रिएक्शन करते हैं सोलह के साथ। तो इस सेमेस्टर में किसके तरह है, कहा एल्कोक्साइड की तरह है, एल्कोक्साइड की तरह यानी कि CH3CH2O, ठीक है, CH3CH2O और H+ आयन रिलीज हो गया, H+ आयन रिलीज हो गया, H+ किसके टर्म्स में निकला, H2 के टर्म्स में बाहर निकल गया और इसके साथ क्या जुड़ गया, Na जुड़ गया। तो क्या हो गया, ये हो गया एक कार्बन दो कार्बन, एक ये तो हो गया ऑक्साइड, ऑक्सीजन है क्योंकि इसके साथ आगे से क्या जुड़ गया, सोडियम जुड़ गया, H+ आयन रिलीज हो, तो वहां पर क्या हो गया, वीक एसिड ऐड हो गया, तो इसका नाम हो गया सोडियम इथॉक्साइड। ये कंपाउंड कौन सा बन गया, सोडियम इथॉक्साइड। इस समय ये किसकी तरह बिहेव करता है, एल्कोक्साइड की तरह बिहेव करता है। Furthermore, one RO ion is formed. RO ion is formed. It cannot be stabilized by the delocalization of charge. The charge delocalization stable नहीं होता है. Thus, alcohol react only to very slightly extend alkali. ये alkali के साथ react होगा, but it react with a very electropositive metal. अर्थात किसी भी electropositive metal के साथ जुड़ेगा. Under anhydrous condition में जुड़ेगा. Give alkoxide ion with the general formula RO. और इसके द्वारा हमें alkoxide का उनका general formula प्राप्त होगा. तो इस तरह से हमारा alcohol का behavior क्या होता है? Alkoxide ion की तरह भी शो होता है। अब एडिशन ऑफ वाटर विद द डिजेनरेट अल्कोहल रेडी, अगर अल्कोहल को हम किसके साथ ऐड करते हैं, सपोज अल्कोहल इज एडेड विद वाटर मॉलिक्यूल्स, किसके साथ ऐड किया जाता है, वाटर के साथ किया जाता है। अगर अल्कोहल को एडिशन ऑफ अल्कोहल एडिशन ऑफ वाटर विद डिजेनरेट द अल्कोहल रेडी, अगर इस इथॉक्साइड को यानी कि एल्कोक्साइड जो हमने बनाया सोडियम इथॉक्साइड, हमारा फॉर्मूला है क्या, CH3CH2ON, सोडियम इथॉक्साइड को अगर वाटर के साथ फर्दर हीट करते हैं, वाटर विल रीजनरेट द अल्कोहल रेडीली, तो इसके थ्रू क्या होगा, ये आपका Na और यहां से निकला OH, तो हमारा क्या निकल गया NaOH, और हमारे हमें क्या प्राप्त हो गया दोबारा से CH3CH2ON। द रिएक्शन इज मच स्लोअर देन द रिएक्शन ऑफ वाटर विद सोडियम, ये रिएक्शन क्या होती है, स्लोअर होती है। अल्कोहल टेंड टू बी स्लाइटली लेस एसिडिक, इस समय अल्कोहल का बिहेवियर क्या होता है, लेस एसिडिक, लगभग इसकी पीके वैल्यू, पीके मतलब एसिड कांस्टेंट वैल्यू, दैट शुड बी 15, और आपको पता है पीएच वैल्यू क्या होता है, 114 तक होती है, 14 से भी कम हो रही तो 14 से भी ज्यादा है यानी कि 15 है, तो बहुत ही ज्यादा लेस हुई यानी कि लेस एसिडिक बिहेवियर कंपेयर टू द वाटर, जबकि वाटर का पीके वैल्यू कितना होता है, 14 होता है, आपको पता है। द हायर द पीके वैल्यू द लोअर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद सोडियम कैन बी यूज्ड टू डिपॉजिट द एक्सेस सोडियम इन द लेबोरेटरी, ठीक है, तो इस समय इसका बिहेवियर क्या होता है, लेस एसिडिक होता है, जो कि वाटर से भी कम अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। तो इसका मतलब अल्कोहल इस समय क्या होता है, कम अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, कम एसिडिक बिहेवियर शो करता है। नाउ अब इवन अल्कोहल आर नेचुरल टू लिटमस, अगर नेचुरल अल्कोहल को लिया जाएगा, ठीक है, अल्कोहल आर नेचुरल टू लिटमस, अगर अल्कोहल को लिया गया, किसी नेचुरल ही हम उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, नेचुरल अल्कोहल है, हम उसको लिटमस से चेक करें, natural to litmus and do not react with the alkali like NaOH but contain active hydrogen atoms to react with the sodium and potassium atoms. इस समय अगर अल्कोहल को लिया गया और उस समय उसका जो हाइड्रोजन है वो एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब हो गया, उस समय वो एक्सप्रेस आयन को इजीली रिलीज कर देता है, कहने का मतलब क्या है, देखिए CH3OH है और इजीली एल्कोक्साइड आयन एक्सचेंज हो गया CH3O- और क्या हो गया आपका H+, एक्टिव हाइड्रोजन के रूप में और सिंपली अभी यहाँ पर बोलने के लिए इतना बोलूंगी, ड्यू टू द स्टेरिक इंडेक्स, अगर टर्शियरी अल्कोहल होगा तो स्टेरिक इंडेक्स होगा इन कंपेयर टू सेकेंडरी, इन कंपेयर टू प्राइमरी, तो प्राइमरी में स्टेरिक इंडेक्स कम होगा, इसलिए ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, प्राइमरी अल्कोहल की, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी अल्कोहल। एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यू नो दैट अल्काइल ग्रुप इज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, स्टेरिक इंडेक्स होने के कारण इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पर स्टेरिक इंडेक्स रहेगा। द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द ऑक्सीजन टू द डिक्रीज द पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड, एन एग्जांपल विद द मेथनॉल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द मेथनॉल, क्या मतलब है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने का मतलब क्या है, एक बार ऐसे यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ, जैसे कि टर्शियरी अल्कोहल है, दिस इज द टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल में क्या है, तीन CH3 ग्रुप जुड़े होंगे, प्राइमरी अल्कोहल होगा तो ये टर्शियरी अल्कोहल है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा,
ठीक है, तो इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन चेन ब्रांच के ऑन द ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या जाएगी, बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा और यहाँ पर ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करते हैं, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और डिक्रीज द पोलरिटी ऑफ ओएच ग्रुप, ओएच ग्रुप की पोलरिटी बढ़ जाएगी और ये बॉन्ड क्या होगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो ज्यादा रिएक्टिविटी किसमें होगी, प्राइमरी में, क्योंकि एक ही सीएच3 ग्रुप होगा और टर्शियरी में क्या होगा, ज्यादा सीएच3 ग्रुप होंगे। ठीक, इसके अलावा आप इसको ऐसे कह सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मिथेनॉल, लाइक ये आपका मिथेनॉल है, मैंने एक एग्जांपल ले रखा मिथेनॉल, मिथेनॉल इज द स्ट्रॉन्ग एसिड इन द एस्ट्रो सपोर्ट सॉल्यूशन, तो इट शुड बी एक्ट एज अ, वो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन में स्टैटिक इंडेक्स बढ़ गया, OH में इजीली रिलीज द H+ आयन, हमारा क्या बनेगा, प्रोटोनेटेड मिथेनॉल प्रोड्यूस करेगा। और बेसिक वीडियो में हमारा OH बॉन्ड क्या, ओ एन ए बॉन्ड क्या जगह वीक हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, तो इस समय इसका बिहेव किसकी तरह होगा, मिथॉक्साइड की तरह, मिथॉक्साइड की तरह होगा, यानी कि बेस की तरह काम कर रहा है, OH2 यानी कि प्रोटोनेटेड मिथेनॉल यानी कि इस समय किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह काम कर रहा है। क्या मतलब है, OH2 यहां से H+ आयन रिलीज हुआ, वो H+ आयन इसके OH2 के H+ पे आकर जुड़ गया और क्या बन गया, क्या बन गया, प्रोटोनेटेड मिथेनॉल। और अगर इसका बिहेवियर एसिड की तरह है आपका, इसका बिहेवियर एसिड की तरह है तो प्रोटोनेटेड मिथेनॉल बनेगा, और अगर बेस की तरह है तो आपका क्या बनेगा, सोडियम मिथॉक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि इजीली क्या होता है, एल्कोक्साइड आयन प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से हम अल्कोहल का ड्यूल बिहेवियर शो कर सकते हैं कि वो कभी किसकी तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह बिहेव करता है, कभी किसकी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह बिहेव करता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, इट एक्ट एज अ ब्रोमोस्टेट एसिड एज वेल एज लुईस बेस, ब्रोमोस्टेट एसिड की तरह बिहेव करेगा, यानी कि जब H+ आयन रिलीज होंगे एसिड की तरह बिहेव करेगा, और जब एल्कोक्साइड की तरह होगा उसका बिहेवियर क्या होगा, बेस होगा। तो इस तरह से हम अल्कोहल का ड्यूल बिहेवियर शो कर सकते हैं, यानी कि अल्कोहल अकॉर्डिंग टू कंडीशन एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है, लेकिन एसिडिक बिहेवियर इसका बहुत कम होता है, जिस जो कि मैंने आपको बताया इसके पीएच वैल्यू वाटर के पीएच वैल्यू से भी क्या होती है, कम होते हैं, दैट शुड बी 15। तो अल्कोहल इज एन एसिडिक एसिड एज वेल एज बेस, सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ अल्कोहलिक एसिडिक बिहेवियर। ठीक है, थैंक यू, आपको आज मेरे अल्कोहल एसिडिक बिहेवियर एक्सप्लेन करा, उससे पहले प्रिपरेशन बता चुकी हूँ, अब आपको एक्सप्लेन करा जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।